हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स। आज मैंने बनाया है बैगन का भरता। कुछ लोगों का कमेंट्स आया था कि बैगन का भरता बनाएं, तो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है आज बैगन का भरता। और ये मैंने उस तरीके से बनाया है जिस तरीके से हमारे गांव में बनता है। तो ये जो बैगन का भरता है ये मैंने अपनी मम्मी से बनाने के लिए सीखा है। और मैं आप लोगों को और भी तरीके से बैगन का भरता बनाना बताऊंगी आगे के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि इस बैगन के भरते को किस तरीके से बनाया जाता है। बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने एक बैगन लिया है और इसको धो लिया है अच्छे से। तो इसको पकाने से पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बैगन में कहीं छेद तो नहीं है। बैगन में अगर छेद होगा तो वो बैगन कीड़ा वाला होगा। तो हम लोग इस तरीके से इसको घुमाते हुए चेक कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने दो टमाटर लिया है, दो हरी मिर्च और ये 8 लहसुन की कली। अब क्या करना है कि बैगन में चाकू से इस तरीके से छेद कर देंगे। और इसके ऊपर लगा देंगे तेल इस तरीके से। गैस को ऑन कर दिया है मैंने और इस पे डाल देंगे ये बैगन। और गैस का फ्लेम जो है हम लो नहीं करेंगे, मीडियम पे रखेंगे। लो कर देंगे तो बैगन जो है वो अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो बैगन को हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। हर तरफ से इसको घुमा के पकाना है। जब तक बैगन पक रहा है तब तक हम मिर्च और लहसुन को भी पका लेंगे। तो एक तवा लिया है मैंने, तवे पे मैं डाल रही हूँ ये 8 लहसुन की कली और मिर्च। इन दोनों को भी हम पकाएंगे। लो फ्लेम पे पकाना है मिर्च को और लहसुन को। बैगन पक गया है, इसको मैंने हर तरफ से उलट पलट के पका लिया है और यहाँ पे मिर्च और लहसुन भी पक गया है। तो इन दोनों को निकाल लेते हैं और अब हम टमाटर पकाएंगे। तो जिस तरीके से बैगन को पकाया है हर तरफ से पलट के, उसी तरीके से टमाटर को भी हम पकाएंगे। टमाटर पक गया है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और टमाटर को और बैगन को ठंडा होने देंगे। जब तक बैगन और टमाटर ठंडा हो रहा है तब तक हम लहसुन को छील लेंगे। तो इस तरीके से लहसुन का छिलका हटाना है। ये मैंने लहसुन को छील लिया है, अब इसमें मिर्च को भी काट के डाल देंगे और लहसुन और मिर्च को अच्छे से मैश करना है। तो हम इसको इस तरीके से मैश करेंगे। ये लहसुन और मिर्च मैश हो गया है, अब इसको साइड में रख देते हैं। बैगन और टमाटर दोनों ठंडा हो गया है तो अब इसको छील लेंगे। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है दोनों को। अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये अच्छे से मैश नहीं हो पाएगा। तो इसको इस तरीके से छीलेंगे, इसका छिलका हटाएंगे। ये मैंने बैगन और टमाटर दोनों को छील लिया है। अब क्या करना है कि चाकू से यहाँ से बैगन को काटना है इस तरीके से। और फिर इसके बीच में हम इस तरीके से कट लगाएंगे और इसको ऐसे फैला देंगे। और इसको फिर से एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें कीड़ा तो नहीं है। कभी कभी जब हम कच्चे बैगन में चेक करते हैं छेद तो वो पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से आप पकने के बाद भी बैगन को खोल के इस तरीके से चेक कर सकते हैं।
तो ये बैगन कीड़े वाला नहीं है और इसको अलग कर देते हैं। और ये जो टमाटर है इसको भी हम इस तरीके से कट करेंगे और इसके बीच में जो ये हार्ड वाला पार्ट होता है इसको हम निकाल देंगे। और अब बैगन को इस तरीके से हाथ से मैश करेंगे। आप इस हाथ की जगह पे मैशर का भी यूज कर सकते हैं, मैशर से भी इसको मैश कर सकते हैं। तो टमाटर और बैगन को इस तरीके से मैश करना है। ये मैंने टमाटर को और बैगन को अच्छे से मैश कर दिया है और अब एक बड़ा बोल लेंगे और इस बोल में डाल देंगे ये मैश किया हुआ बैगन और टमाटर। और ये जो मैश करके रखा है लहसुन और हरी मिर्च इसको भी डाल देंगे इसमें। एक छोटा प्याज जिसको मैंने महीन काट लिया है, थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे इसमें और इसमें डालेंगे एक चम्मच सरसों का तेल। बैगन के भरता में सरसों का तेल बहुत ही जरूरी होता है, इससे भरते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप अगर बैगन का भरता बना रहे हो तो उसमें सरसों का तेल जरूर डालें। और नमक मैं इसमें डाल रही हूँ स्वादानुसार और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप हरी मिर्च से भी इसको बना सकते हैं। और अब क्या करना है कि सारी चीजों को अच्छे से मिलाना है और ये हमारा बैगन का भरता बनके रेडी है। निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट में। और इसको मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी धनिया पत्ती से। तो आप भी इस तरीके से बैगन का भरता बना के जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।